सो हे गाइस, आज के इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में, जो बिग अनाउंसमेंट्स हुआ है और उसमें कुछ नए चेंजेस हुए हैं। तो आपके 40,000 पद हैं, आपको आवेदन करने हैं, कब से शुरू होंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी है, सब कुछ आपको लाइव विथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आज की आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे। तो वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो की इंफॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलते हैं दोस्तों। सो हे गाइस, वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मैंने हाइलाइट्स पॉइंट हैं उनको कलेक्ट किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको वीडियो लंबी करके नहीं दिखाने वाला हूँ, सभी मेन पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। संस्था का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश नगर निगम बोर्ड। रिक्त पद कुल कितने हैं दोस्तों, तो 40,000 हैं। शैक्षणिक योग्यता आपकी कितनी है दोस्तों, 8 पास है। एज आपकी क्या है, 18 से 40 वर्ष है। नौकरी आपको कहाँ मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। और सूचना कब जारी होगी, तो जल्द जारी होगी। वेबसाइट क्या है, आप इसलिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी वेबसाइट है। साथ में आपको बता दें आपके पास कुछ पात्रता होनी चाहिए, वो पात्रता क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। तो सफाई कर्मचारी पद के लिए उम्मीदवार, मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा कि आपकी आवेदन कब से होगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आप जान पाओगे कि वीडियो की आवेदन कब से होगी, यानी कि आपके फॉर्म की आवेदन कब से होगी। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना। तो सफाई कर्मचारी पद के लिए आपको किसी भी बोर्ड मान्यता प्राप्त से 8वीं पास करना होगा, यानी कि आप अगर 8वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी की एज कितनी होनी चाहिए, आपके 18 से 40 वर्ष एज लिमिट जिसको बोलते हैं। आपका वेतन कितना होगा दोस्तों, यानी कि आपको 1800 ग्रेड पे आपको 14 से 14,500 रुपये की पेमेंट मिल जाएगी हर मंथली के हिसाब से, पे स्केल। और इसके बाद देख सकते हैं यूपी सफाई कर्मी की जो ऑनलाइन की वेबसाइट है, वो वेबसाइट ये है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही होगी जी, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। और दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है कुछ नवीनतम समाचार। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी भर्ती जो है 2021 के लिए बहुत सारे नियम और शर्तें लागू हैं। तो चलिए अप्लाई करने के लिए जो नियम शर्तें लागू उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कर्मचारी में सबसे बड़ी जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि चयन की प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा के अनुसार होगी, जिसका कुछ पाठ्यक्रम है। तो आप 8वीं पास हैं और आपको परीक्षा भी देना होगा, इस बात को जान लें। अब तक इसके पहले नहीं हुआ था, अब की बार ये हो रहा है। 200 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और आपका सिलेबस क्या क्या है देख लीजिए, अगर आप इस फॉर्म में आवेदित होना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो 8वीं कक्षा के आपके जो यहाँ पर देख सकते हैं 25 अंक आपके हिंदी अनुभाग से होंगे। और आपको बता दें जो आपके मैथमेटिक्स हैं, 25 अंक आपके मैथमेटिक्स से होंगे, यानी कि गणित से होंगे। और इसके बाद आपके जनरल नॉलेज से 50 अंक होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कितने हो गए, 100 हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विषय से आपके 15 अंक होंगे, यानी कि पेपर आपका काफ़ी ट्रिपल होने वाला, जिसमें भारत समकालीन, विश्व संसाधन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए आपको भाई मेहनत करना होगा और आपको पढ़ना होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपके नोटिफिकेशन, आपके अप्लाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा गया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन है, अपडेट सून है, और लास्ट डेट भी अपडेट सून है, मतलब आपको जल्द ही सारी प्रक्रिया ऑनलाइन मेथड से चालू होंगी। अभी सारी डिटेल्स सून है, यानी कि जल्द ही आपको मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स देख ली, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, ये टोटल आपका 40,000 पद है। रिटन एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। टोटल नंबर आप क्वेश्चन तो 200 के होंगे आप समझ लीजिए, तो ये बहुत ही आपके थोड़े से क्रिटिकल होंगे। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती होनी है तो 40,000 पर होनी है, और आयु क्या होगा, तो ये सब मैंने चीज़ें आपको बता दी जो यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स है, अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए भीमा चित्रा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि आगामी जो वीडियो बनाई जाए आपको सूचना मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।